जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह है और मैंने आपको इससे पूर्व के कक्षाओं में यूनिवर्स के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दिया था। उसमें हमने बताया था कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और उसका जो जन्म हुआ है इसे 15 बिलियन साल पहले हुआ है, और उसके बाद हमारी मंदाकिनी बनी है उसकी जो आयु है वह है 12 बिलियन साल पहले, और इसके अंदर में जो हमारी मंदाकिनी आप देख रहे हैं इसमें 100 बिलियन से भी ज़्यादा तारे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, मतलब 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज है, और हर एक गैलेक्सीज में 100 बिलियन से भी ज़्यादा तारे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तारे हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 साल तक भी जिंदा रहता है और हर एक तारे का अगर कोई नामकरण कर दिया जाए और वह बोलना शुरू कर दे जन्म लेते ही, तो वह 100 साल तक जिएगा, उसके बाद मर भी जाएगा, लेकिन वह पूरे तारों का नाम अपने जीवन में ले नहीं पाएगा, इतने अधिक तारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने तारे हैं। ये देखिए हमारे मंदाकिनी का एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए इसमें तीन आर्म है, ये स्पाइरल आर्म है, ये तीनों आर्म जो है वो घूर्णन करते रहता है। वो कैसे होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ऐसे घड़ी तो चलती है ऐसे, और ये जो घूर्णन करते हैं इसका तीनों स्पाइरल आर्म वह इस तरह से करते हैं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स है उसमें गैलेक्सीज के जो शेप होते हैं वो तीन प्रकार के मिलते हैं। पहला शेप मिलता है अंडाकार, इस तरह की आकृति में, जिसको बोलते हैं इलिप्टिकल। दूसरा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे स्पाइरल है, सर्पिलाकार है, और एक और मिलता है जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है, वह गैलेक्सीज का जो शेप होता है इरेगुलर होता है। सबसे ज़्यादा जो है अंडाकार है, उसके बाद 25% के आसपास स्पाइरल है। तो हमारा जो आकाशगंगा है जिसको मंदाकिनी कहते हैं उसकी जो आकृति है वह स्पाइरल है, और हमारी जो मंदाकिनी है उसमें कभी कभी लोग मिल्की वे भी कह देते हैं, लेकिन मिल्की वे पूरे गैलेक्सी को कहना ठीक नहीं है, वह गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट ही है। पूरा का पूरा गैलेक्सी जो है इसको मंदाकिनी कहेंगे, और उसके एक पार्ट को आप मिल्की वे कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो सूर्य है वह दूसरे आर्म पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है, उसका एक ऑर्बिटल प्लेन होता है, उसी पथ के सहारे वह सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है। अब मान लेते हैं कि इस साइड में यहाँ पे पृथ्वी है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि इस साइड में सूरज है, तो इस साइड के इस तरफ वाले जो है जो स्टार है वो रात में दिखाई नहीं देंगे, और इस साइड वाले में अंधेरा वाला है, इसका मतलब इस साइड में रात्रि है, तो इस साइड वाला जो है तारे दिखाई देते हैं रात में। और वही जब पृथ्वी घूम जाती है, जब इस साइड में आ जाता है, तो आप देखते हैं कि सामने लाइट पड़ेगा तो इधर का तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इधर तो अंधेरा है तो इस साइड वाला दिखाई देता है। तो रात में जो दिखाई देता है वो आकाश में थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप का, एक पूरा लगता है कि पूरा गंगा की तरह, एक पूरा नदी की तरह है, तो उसी को कहते हैं मिल्की वे। तो मिल्की वे एक पार्ट है हमारी मंदाकिनी का, तो इसको आप समझ गए। अब देखिए इसमें तीन जो स्पाइरल भुजा है, इसमें सबसे बाहरी जो भुजा है उसी पे नए नए स्टार बनते हैं। ऐसे आप जान लीजिए स्पाइरल जो भुजा है वो स्टार के ही बने हुए हैं, इसमें सब के सब स्टार है। हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार है। सबसे बाहरी जो भुजा है उसी पे स्टार का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है इसको आप समझिए, जब यह घूर्णन करते रहता है मंदाकिनी, तो इसके सबसे बाहरी भुजा पे जो गैसों के बादल है, हाइड्रोजन के बादल है, उसमें बहुत ज़्यादा विक्षोभ पैदा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण उसके अंदर में अभिक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे क्या क्या होती है, एक हमने यहाँ भी लिख रखा है, इसको आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के बादल बनेंगे, और हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं उसको कहते हैं स्टेलर नेबुला, उसको नेबुला कहते हैं। उसी नेबुला में जब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सारे चीज़ों को वह बाहर से अंदर की ओर खींचने लगेगा, मतलब उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्राभिसारी बल, जब अंदर में आने लगता है तो ये धीरे धीरे पूरा का पूरा बादल जो बहुत बड़ा था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा और छोटा होने लगेगा। जब सिकुड़ सिकुड़ करके छोटा होने लगता है तो वहाँ सबसे पहले एक आद्य तारा जिसको बोलते हैं प्रोटो स्टार, उसका निर्माण होता है, या उसको इम्ब्रोय स्टार भी कहते हैं, भ्रूण तारा भी कहते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा था कि आद्य तारा क्या होता है, तो आप याद कर लीजिए कि यह एकदम निर्माण की पहली अवस्था है। उसके बाद जैसे ही ये आद्य तारा जो है उसमें और ज़्यादा ग्रेविटेशन के कारण और ज़्यादा सिकुड़ेगा, तो उसके अंदर में जो परमाणु है वो आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु, और हाइड्रोजन जो है उसके जो नाभिक है वह
संलयित होकर के हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगा। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जैसे ही शुरू हो जाएगी तो वह तारा बनने लगेगा और उसको बोलेंगे तारा। ये इससे प्रकाश उत्सर्जित होने लगेगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब तारा जो है वह अपना प्रकाश खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसके अंदर के हाइड्रोजन समाप्त होने लगेंगे, हीलियम बनने लगेगा। और हीलियम जब बनने लगेगा तो वह लाल दानव तारा बनेगा। कहने का मतलब यह है कि अब वह नीला से लाल हो गया है, नीला के बाद व्हाइट होता है, व्हाइट होने के बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि पहले नीला होगा तो सबसे ज़्यादा चमकीला है, उसके बाद वह व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद येल्लो हो जाता है, हमारा जो सूर्य है वह येल्लो ही है, उसके बाद जो है उसके बाद रेड हो जाता है। तो इस तरह से उसके बाद जो है वो व्हाइट ड्वार्फ और ये ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो सन है वह येल्लो है, इसको बीच का कह सकते हैं। हमारा सूरज का जन्म आज से 5 बिलियन साल पहले हुआ है और हमारी पृथ्वी भी उसी टाइम में लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बन के तैयार हो गई और इस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। हमारे सूरज भी कभी ना कभी इसी स्टेज में पहुंचेगा, लाल दानव तारा में, आज से 5 बिलियन साल के बाद, और उसके बाद उसका अंत हो जाएगा। तो कैसे अंत होगा ये देखिए, लाल दानव तारा जब बनेगा तो जो ये जो तारा हम देख रहे हैं यहाँ, ये तारा है और उसके बाहरी जो खोल है ये फूलने लगेगा, फूलते फूलते बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि अब अंदर का क्रोड धीरे धीरे अंदर की ओर सिकुड़ रहा है और बाहर वाला खोल बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा, उसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो इससे क्या होगा कि बाहर का जो परत है यह फट करके बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा और अंदर का जो क्रोड है वह बचा रहेगा और वह बहुत तेजी से घूर्णन करेगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। मान लेते हैं कि ये तारा यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे फट गया तो इसको कहेंगे बाहर जो खोल चला गया उससे उसमें बहुत सारे गैस है, जो बाहर चला गया उसमें गैस है, उसमें धूल है, और अंदर में जो बचा रह गया जो बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा है अपने पथ पे, उसको बोलेंगे न्यूट्रॉन तारा। ये सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद बना है। लेकिन सुपरनोवा विस्फोट होगा कि नहीं तारे के अंदर में, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वह किस रूप में मरेगा, वह किस रूप में अपने जीवन का अंत कर लेगा, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसकी खोज सबसे पहले हमारे ही देश के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर साहब, उन्होंने किया था, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1983 में। वह अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकी हो गए, हालांकि भारतीय मूल के हैं वो। तो उन्होंने खोजा था और चंद्रशेखर सीमा को उन्होंने कहा कि कोई भी तारा जो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक है या उससे कम है तो वह अपना जीवन की समाप्ति इस रूप में करेगा। पहले वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब है कि वह पुराने जो उसका जो पूर्वज है उससे छोटा बन जाएगा, उसके अंदर का तापमान भी कम हो गया और वह धीरे धीरे मरणासन्न स्थिति में पहुंच रहा है। उसके बाद वह ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा और ब्लैक ड्वार्फ बनने के बाद इसी मंदाकिनी के इसी स्पाइरल आर्म से होते हुए वह केंद्र की ओर पहुंच जाएगा और केंद्र में जाकर के वह ब्लैक होल के अंदर में समा जाएगा। केंद्र में ब्लैक होल है यहाँ पे इस पूरे मंदाकिनी के अंदर में, आप देख रहे हैं यहाँ पे नया नया तारा निर्माण हो रहा है और बीच में यंग यंग तारा है और सबसे बीच में ओल्ड है। ऐसे भी आप जानते ही हैं कि जो बच्चे होते हैं उच्छृंखल होते हैं वो बाहर बैठेंगे, वो बाहर है और यंग है तो बीच में है, और ओल्ड जो बूढ़े हो गए जो बहुत भारी हो जाते हैं वो जाकर के कब्र में जाकर के पहुंच जाते हैं, कब्र मतलब ब्लैक होल के आसपास पहुंच जाते हैं। अब देखिए ये जो घूर्णन कर रही है ना, इसको आप समझने के लिए ये समझ लीजिए कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या यह आर्म ही घूर्णन कर रही है मंदाकिनी का, कि इस पे जो स्टार है वो घूर्णन करते हैं अपने अक्ष पे। तो कहा जाता है कि देखिए जो स्टार है वो अपने जगह पे ही रहते हैं, एक्चुअली ये पूरा मंदाकिनी ही घूर्णन करती रहती है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप एक स्कूटर का चक्का खोल लीजिए एक और उसको घुमाइए, उसके बाद एक हीरो पूंछ का चक्का खोल लीजिए उसी पर डाल दीजिए, उसके बाद एक साइकिल का भी चक्का खोलिए और उसी पर डालिए, तीनों चक्का को घुमा दीजिए, आप देखिएगा उसमें कि सबसे भारी वाला जो होता है और जो छोटा होता है वह सबसे नीचे है, उसके बाद हीरो पूंछ वाला ऊपर है और उसके बाद साइकिल का है। अब दूसरे का गाड़ी का और दूसरे का साइकिल का मत खोलिएगा, अपना स्कूटर का खोलिए, अपना हीरो पूंछ का खोलिए, अपने साइकिल का खोलिए और उसको घुमाइएगा तो देखिएगा कि वह घूम रहा है और सबसे लेकिन हाँ उसको घुमाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर में जो
यहाँ पे जो एक उसको बोलते हैं ये एक्सिस, वह एक्सिस एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो तीनों घूम रहा है और उस पर ही अगर कोई बिंदु आप रख दीजिए या किसी चीज से लाल पियर कर दीजिए, उसको कोई स्पॉटेड कर दीजिए कहीं पे, तो देखिएगा कि वह स्पॉट जो है वह चक्का के घूमने के साथ ही घूम रहा है। मतलब वह स्पॉट नहीं घूम रहा है बल्कि चक्का घूम रहा है जिससे स्पॉट भी घूम रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मंदाकिनी को आखिरकार देखा किसने था। तो गैलीलियो साहब ने देखा था। गैलीलियो साहब ने जब टेलीस्कोप बनाया और जब ऊपर देखा तो देखा कि अरे ससुरा बहुत बड़ा है, ये तो मंदाकिनी छोटा नहीं है, आंख से पूरा दिखाई ही नहीं देता है, ये बहुत बड़ा है। उसने और भी कई चीजें देख ली। उसने कहा कि प्रोक्सीमा सेंटुरी भी है, जो हमारे सौरमंडल यानी कि सूरज और पृथ्वी से सबसे नजदीक जो तारा है वह प्रोक्सीमा सेंटुरी है, यानी पृथ्वी से कहेंगे कि सूरज के बाद सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सीमा सेंटुरी है। उन्होंने ही देखा था, गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो और भी कई चीजें देख लिया, उन्होंने सौर धब्बा भी देखा था। गैलीलियो बृहस्पति के चार उपग्रहों को भी देखा था। इटली के थे वो, जानते हैं इटली कहाँ है, वह भूमध्य सागर के आसपास में एक देश है, यहाँ पे आप देखते होइएगा, यूरोप में एक देश है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहीं पे इटली है, वहीं के थे गैलीलियो। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, उसके बारे में हमने आपको पूर्व कक्षाओं में बता दिया है। अब आप समझिए कि हमारा जो सूरज है वह कैसे मर जाएगा। तो देखिए, हमारा जो सूरज है वह भी उसके अंदर भी हाइड्रोजन जब खत्म होगा तो वह लाल दानव तारा बनेगा और उसके बाद उसमें भी उसके ऊपरी खोल विस्फोट से उड़ जाएंगे और अंदर के जो खोल बचेंगे उसको कहेंगे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ को फॉसिल स्टार भी कहा जाता है। और व्हाइट ड्वार्फ जो है ना वह ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा और ब्लैक ड्वार्फ धीरे धीरे जाके ब्लैक होल में समा जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम अभी आपको बता रहे थे कि चंद्रशेखर साहब ने कहा है कि तारे कैसे मरेंगे यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि द्रव्यमान अगर 1.44 है तब तो ये बन गया, लेकिन 1.44 से लेके 3 तक है तो क्या बनेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान की तुलना में 1.44 से 3 गुना तक है तो वह न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वह काफ़ी घना हो जाएगा, उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत अधिक होगा जिसके कारण वह इतना घना हो जाएगा कि वह ब्लैक होल ही बन जाएगा, उसके अंदर से प्रकाश तक नहीं जाएगा और वह अपने जीवन को इस तरह से समाप्त कर लेगा। लेकिन अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से 3 उससे भी अगर अधिक हो, 3 से भी ज़्यादा हो तब क्या बनेगा। तब उन्होंने बताया कि फ्रोजन स्टार बनेगा, और फ्रोजन स्टार भी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल के कारण अंदर ही सिकुड़ते चला जाएगा और वह बाद में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। देखिए, लाल दानव का जो क्रोड है, तो अब हमने आपको अभी बताया था कि लाल दानव ताना जब बनेगा तो वह उसका जो क्रोड है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे सिकुड़ते जाएगा, जिसके कारण तापमान भी बढ़ जाएगा उसके अंदर का। तो जो अंदर में जो हीलियम है उसके कोर में, वह हीलियम जो है कार्बन में बदल जाएगा बहुत ज़्यादा तापमान के कारण। वह कार्बन फिर बाद में भारी धातु में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी मेटल बन जाएगा, लोहा और आयरन जैसा। और लोहा आयरन जैसे ही बनना शुरू होगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही खत्म हो जाएगी। जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया खत्म होगी तो उसके अंदर और ग्रेविटेशन बढ़ जाएगा और अंदर का और बाहर में एडजस्टमेंट ही नहीं रहेगा इसके खोल में, तो बाहर के खोल फट के उड़ जाएंगे। तो उसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट, एक विशाल विस्फोट होता है। यह कहा जाता है कि जब पृथ्वी बना था और बिग बैंग की घटना हुई थी, यह उससे थोड़ा सा कम लेकिन एक विशाल विस्फोट होता है और यह पूरे के पूरे गैलेक्सी को, पूरे के पूरे मंदाकिनी को चमत्कृत कर देता है अपने प्रकाश के द्वारा। तो उसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट, और उसके अंदर जो क्रोड बचता है उसी से न्यूट्रॉन तारा बनता है, ये भी आपको हम बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अंदर का जो क्रोड बचता है वह कैसा होता है, तो यहाँ पे दिखा गया कि जब सन फटेगा ऊपर कोर उड़ जाएगा तो उसका अंदर का जो रेडियस है उसके अंदर का कोर वह सिर्फ 1% बचेगा, उसका सिर्फ 1% रहेगा उसका कोर। यानी कि जितना छोटा तारा होगा उसके अंदर का कोर उतना ही बड़ा होगा, और जितना ही बड़ा होगा उसके अंदर का कोर उतना ही छोटा होगा। ऐसे भी आप लोग आम खाते हैं तो आम में देखते हैं कि बड़ा आम रहता है तो उसका गुठली छोटा होता है, गुठली समझते हैं ना, हाँ, तो गुठली बहुत छोटा होता है, जितना बड़ा उतना छोटा गुठली। तो इसमें भी देखिए जितना बड़ा है उतना छोटा, जितना ये देखिए इससे छोटा है तो ये तो ऐसे होता है। तो इसको भी आप समझ गए हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें अब लगभग चीज़ों को आप समझ ही गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि पोलारिस, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में कि सन के
बगल में आप देख रहे हैं कि एक और तारा है जो 700 प्रकाश वर्ष दूर है, उसको बोलते हैं ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा कहाँ पे है? यह पृथ्वी के ठीक ऊपर जो ध्रुव है नॉर्थ पोल, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और उसको कहा जाए कि तुम पोलरिस को देखो, तो उसको सीधे अपना सर को ऊपर ऐसे करना पड़ेगा, एकदम 90 डिग्री का कोण जब बनाएगा तब वह पोलरिस को देख सकता है इस पोल से। और वह जो ध्रुव तारा है वह बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी के दिशा को ज्ञात करने के लिए। नॉर्थ की दिशा जो होती है वह ध्रुव तारा से ज्ञात होता है। उसकी जो किरणें होती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है प्रकाश, उससे पता लगता है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्रुव पर तो 90 डिग्री का बनेगा लेकिन इक्वेटर पर 0 डिग्री का बनेगा। इससे ये जो अक्षांश है उसका कोण का निर्धारण होता है। तो इसलिए पोलरिस हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है। तो इतना आप समझ गए। अब मुझे लगता है कि आप इसमें लगभग चीज़ों को समझ ही गए हैं। अब जो कुछ भी बचेगा उसको नेक्स्ट अगले क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। जय हिंद।